शहर के वार्ड क्रमांक 43 में पिछले कई वर्षों से लोगों को नहीं मिल पा रहा पानी। 2 किलोमीटर दूर से पानी लाकर गुजर बसर करने को मजबूर हैं लोग। कहने को तो वार्ड क्रमांक 43 कृष्णानगर रीवा शहर के अंदर स्थित है, जहां हर दिन बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि शहर में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन वार्ड क्रमांक 43 में पिछले कई वर्षों से लोगों को पानी को एक एक बूंद नसीब नहीं हो रही, जिसकी वजह से मजबूरन लोग 1 से 2 किलोमीटर दूर जाकर अपना गुजर बसर करने के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। कहने को तो यहाँ पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन भी बिछी है, पर उससे पानी नदारद है, जिस ओर नगर निगम या किसी और का कोई ध्यान नहीं है। वार्ड क्रमांक 43 में रहने वाले बच्चे बूढ़े सभी पानी के लिए भटकने को मजबूर हैं। हम आपको बता दें कि इस वार्ड में इकलौता हैंडपंप भी काफी लंबे समय से बंद पड़ा है, जिसको बनवाने में भी प्रशासनिक अमले की मुस्तैदी नजर नहीं आई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि मई के महीने की शुरुआत में लोगों को पानी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, तो आने वाले समय में बढ़ती गर्मी के साथ लोगों को पानी के लिए और भी परेशान होना पड़ेगा। एप्लीकेशन दिया हो सर, हैंडपंप का, हैंडपंप आज बना रहे हैं सर लोग, एक बूंद पानी, मीठा पानी आज 3 साल हो गए, एक बूंद पानी नहीं आता, एक बूंद पानी नहीं आता यहाँ, मीठा पानी नहीं मिलता है हम लोग के लिए, मीठा पानी नहीं मिलता। हम लोग गुड़चौर वहाँ से चिरौला मंदिर के पास से पानी ले आते हैंगे, परेशान हो जाते हैं, इतने घामे में पानी लेने जाते हैंगे। वहाँ टंकी के पास वहाँ कुआं एक तो वहाँ पे नल का पानी आता है, लेकिन उतनी दूर हम लोग पानी लेने जाते हैं पीने के लिए, पानी नहीं मिलता है। हमें बच्चों को छोड़ के जाते हैं अंधेरे में अंजोरे में, पानी लेने जाना पड़ता हैगा। अब क्या करें, प्यास मरेंगे तो जाएंगे भी टाइम के, जितनी देर प्यास लगती उतनी देर डिब्बा लेके दौड़ने जाओ, तो क्या करें, पानी बिना बहुत परेशानी है। हेड पंप ही है तो हेड पंप भी नहीं चलता है, बिल्कुल बंद है हेड पंप। बाल्टी का लाए हैं नहीं, पानी लाए, पानी नहीं मिला है, नहीं मिला है। कब ऐसे नहीं आप पानी, साल होता बात है, यहाँ पाइप लगा है, पाइप पानी कहाँ से लाई थे, पानी अब नहीं हुए ऐसे जाए थे, को भर दे था को ले आई थी, लड़का बचना जब गलत करें तो गलत गलत में काट रही, भले बीजेपी के अंत का होता, हमारे सामने हमारे लगे ना वोट पानी गिलाने का नहीं, परेशानी रोड गिलाने की परेशानी, जब नहीं है तो उसको नहीं देंगे। रोड नाली पानी तीनों चीज कितनी परेशानी है, आज तक कोई विकास करने वाला नहीं है। इतने पार्षद आए, इतने आते हैं, चुनाव के पहले आते हैं, कहते हैं कि हम ऐसा काम करेंगे वैसा करेंगे, कोई कुछ नहीं करता है। 15 साल से हम देख रहे हैं, 15 साल से इस मोहल्ले में कोई विकास नहीं है। राजेंद्र शुक्ला जब पहली बार विधायक बने थे तब ये खलनिया बनवा दिए थे, बस इतना ही तो काम है यहाँ, बाकी कोई विकास नहीं है भाजपा का। एक विकास ये कर रहे हैं कि जो ये प्रधानमंत्री योजना वाला आवास वाला चल रहा है, वो भी साल भर से ये घर मड़ाई बना के रह रहे हैं, अभी तक पैसा नहीं आ रहा। एक किस्त दे दिए, 6 महीने ताजे रहो, 6 महीने बाद दूसरी किस्त आएगी, फिर 6 महीने बाद तीसरी किस्त आएगी, तब तक ऐसे बगारे पड़े रहो। ये दशा है, आधी पानी लड़के बच्चे लेके बगारे पड़े हैं, बीजेपी सरकार की ये दशा है। राजेंद्र शुक्ला बोले थे कि जिस रोड से हम नाम बना रोड बन जाए, आए कहाँ चला जाता है, लौट जाती कॉपी के, लेकिन अभी तक रोड नहीं बनी है। एक फुट कांध कीचड़ होता, हम लोग आते जाते हैं, इतना परेशान, कोई पैदल नहीं चल पाता है, गाड़ी घोड़े बात है, कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ क्या कहते हैं एम्बुलेंस नहीं आती है। राजेंद्र शुक्ला बोले कि क्या कहते हैं हम जिस रोड से पैदल चल जाएं तो वो रोड बन जाती है। वार्ड 43 कृष्णा नगर, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, एक बूंद पानी कहीं नहीं है। बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, 80 साल की माता राम, 1 किलोमीटर दूर से चिरहुला से लोग पानी लेके आते हैं। ऐसा कौन सा विकास है बताया जाता है कि बहुत पानी है, पता नहीं कितने 50 MLD 150 MLD, अंग्रेजी बोलना, आंकड़े पेश करना। भाजपा सरकार में विगत 25 सालों से भाजपा की महापौर है, पूरा ये मोहल्ला एक बूंद पानी नहीं है, एक महीना से इकलौता हैंडपंप एक महीना से खराब था। आज जब इन लोग को पता चल गया कि मैं आ रही हूँ, तब नगर निगम वाले आज बनाने आए हैं और पानी की त्राही त्राही मची है। ये बूढ़ी अम्मा, ये छोटे छोटे बच्चे एक एक दो दो किलोमीटर जाते हैं और उसके बाद पानी लेके आते हैं, तो ये हाहाकार पानी का मचा हुआ है। मेरा नगर निगम से और भारतीय जनता पार्टी की लंबे चौड़े वादा करने वाली सरकार है, उससे निवेदन है कि जनता को पानी
उपलब्ध कराएं ताकि जो आम जनता प्यासी मर रही है वो उसके कंठ जो सूखे हुए हैं उनको पानी मिल सके, ताकि ये भरी गर्मी में अभी तो अधम ही है, अभी पूरी गर्मी पड़ी है, तो ये बाकी लोग जिंदा रह सके, ऐसा मेरा कहना है।